राष्ट्रीय नागपुर निगम कर्मचारी संघ INTC 14 मार्च से प्रदेश भर में विविध मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। इसी श्रृंखला में विविध मांगों को लेकर संविधान चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, ऐसी जानकारी सुरेश टिंगने द्वारा दी गई है। महाराष्ट्र राज्य नगर निगम, नगर पालिका परिषद, श्रम कर्मचारी संघ महासंघ और राज्य सरकार केंद्रीय संघ महाराष्ट्र ने कर्मचारी शिक्षकों की अंतरंग मांगों के लिए बार बार संबंधित मंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्त या प्रशासक नगर निगम के साथ पत्र व्यवहार किया है और न्याय दिलाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया है, लेकिन सरकार और स्थानीय स्तर पर लगातार इसकी अनदेखी की जा रही है। इससे महाराष्ट्र के कर्मचारी शिक्षकों के मन में घोर असंतोष सुलग रहा है। वहीं 15 फरवरी 2023 को महासंघ की ओर से आचार्य अत्रे रंग मंदिर पिंपरी चिंचवड़ में राज्यव्यापी बैठक हुई। उसमें कर्मचारियों एवं शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की ओर सरकार एवं स्थानीय नगरपालिका प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण सर्वसम्मति से 14 मार्च 2023 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया और सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय नागपुर नगर निगम कर्मचारी संघ यानी INTC संघ से संबंध होने के कारण संघ ने 6 मार्च 2023 को कार्यकारी बोर्ड और सामान्य परिषद के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक की और सर्वसम्मति से 14 मार्च 2023 से शुरू होने वाली राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल में भाग लेने का निर्णय लिया। साथ ही टिग्ने द्वारा बताया गया कि इस हड़ताल से आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है। सुरेंद्र टिग्ने, अध्यक्ष राष्ट्रीय नागपुर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज असोसिएशन, उद्या दिनांक 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप होतो आहे। हा संप करण्याच्या मागचा हेतू एकच आहे की महानगरपालिका असो, नगरपालिका असो किंवा नगर परिषद असो, पूर्ण महाराष्ट्रातल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जे त्यांच्या हक्कांचे प्रश्न होते ते अजूनपर्यंत प्रलंबित असल्यामुळे सर्व संघटनेचं जे फेडरेशन आहे त्या फेडरेशननी उद्यापासून बेमुदत संपाचं आवाहन केलेलं आहे। यात मुख्य मागणी आहे जे नोव्हेंबर 2005 नंतर या शासनात असो, राज्य निम शासकीय कर्मचारी असो किंवा महानगरपालिकेतील कर्मचारी असो, यांना नवीन पेन्शन योजना जी लागू केलेली आहे ती रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही एक प्रमुख मागणी आहे। दुसरी मागणी, महाराष्ट्र शासनाने 7वा वेतन आयोग लागू केलेला आहे, महानगरपालिकेने सुद्धा 7वा वेतन आयोग लागू केलेला आहे, त्यात परंतु त्याची थकबाकी अजूनपर्यंत दिलेली नाही, महागाई भत्त्याची थकबाकी दिलेली नाही आहे। 7वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर 10, 20, 30 वर्षाची सेवा झाल्यानंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू व्हायला पाहिजे होती, काही महानगरपालिकेत लागू झाली परंतु नागपूर महानगरपालिकेत अजूनपर्यंत लागू झाली नाही। महाराष्ट्र शासनाने वाहतूक भत्त्यामध्ये 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वाढ केलेली आहे परंतु नागपूर महानगरपालिकेने अजूनपर्यंत वाहतूक भत्त्यामध्ये वाढ केलेली नाही आहे। तुम्हा सर्वांना माहितीच आहे की पेट्रोलचे भाव सध्या 107 रुपये पर लिटर आहे। नागपूर महानगरपालिकेतील कर्मचारी असो का शिक्षक असो, त्याला आपल्या घरापासून जवळपास 10 ते 12 किलोमीटर अंतरावर कामाला जावं लागतं। पेट्रोलचे भाव एवढे वाढलेले असताना आज प्रशासक महोदय अजूनपर्यंत त्याच्यावर निर्णय घेत नाही, त्यामुळं कर्मचाऱ्यात रोष आहे, पदोन्नतीचे प्रश्न आहे। इस आंदोलन में प्रमुख मांगनी इस तरह होगी। राज्य सरकार नगर निगम के कर्मचारियों, शिक्षकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 6ठे और 7वें वेतन आयोग के बकाए का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करे। वहीं दूसरी मांग, सरकार ही निर्णय के अनुसार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी शिक्षकों के लिए सुनिश्चित प्रगति योजना लागू किया जाए। वहीं नई पेंशन योजना NPS को समाप्त करना और सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाए। वहीं लंबे समय से सेवा में रहने वाले सभी ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देकर उनकी सेवा को नियमित किया जाना चाहिए। अनुरोध है कि 14 मार्च 2023 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने के लिए नागपुर नगर निगम के सभी नियमित कर्मचारी, शिक्षण और संविदा कर्मचारी हड़ताल में भाग ले और कर्मचारी, शिक्षकों, संविदा कर्मियों की ताकत की एकता प्रदर्शन करें।
NBCN न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।